दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं जैसे कि आप गूगल पे एप्लीकेशन से किसी भी दोस्त के पास किसी भी फ्रेंड के पास पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से आपको एरर दिखने को मिल रहा है। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं लाइव हमें यह समस्या दिखने को मिल रहा है। इस समस्या को कैसे ठीक कर सकते हैं इसमें आपको बताया जा रहा है। पैसे आपके खाते में नहीं है, ठीक है, जबकि आपके खाते में पैसा है फिर भी आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको इस तरह से एरर दिखने को मिल रहा है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा और आपको इसे कैसे ठीक करना है। वीडियो को वॉच करना होगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा जो कि अपना गूगल पे एप्लीकेशन ओपन करना पड़ेगा। यहाँ से आपको वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना होगा तभी आप इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले अपना गूगल पे एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, आपको यहाँ से स्टेप बाय स्टेप देखना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं मैं गूगल पे एप्लीकेशन ओपन कर लिया हूँ। उसके बाद मैं किसी भी दोस्त के पास किसी फ्रेंड के पास पैसे ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता हूँ, पैसे भेजने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कोई भी मैं एक अमाउंट ले लेता हूँ और जैसे मैं पैसे ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा हूं तो कुछ इस तरह से एरर दिखने को मिल रहा है। इस एरर का मतलब आपको सबसे पहले समझना होगा, ठीक है। देख सकते हैं इनसफिशिएंट बैंक बैलेंस, इसका मतलब होता है कि आपके खाते में पैसा नहीं है, अपर्याप्त बैलेंस है। उसके बाद नीचे यहां लिखा है योर बैंक अकाउंट डोज नॉट हैव इनफ बैलेंस चेक योर बैलेंस एंड ट्राई अगेन, यानी आपके खाते में पैसा नहीं है, अपने खाते के चेक करके उसके बाद दोबारा से कोशिश करें। यहाँ से हिंदी में भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं आपको करना क्या होगा, यहाँ से अपना चेक बैंक बैलेंस पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से बैंक अकाउंट चेंज करके पेमेंट कर सकते हैं। तो इसका कारण क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपके अकाउंट में पैसा है फिर भी बताया जा रहा है पैसा नहीं है, इसका दो कारण है, ठीक। सबसे पहले तो आपका अकाउंट में जो मिनिमम बैलेंस, मान लीजिए आपको अकाउंट में 500-1000 रुपये हैं और बैंक की तरफ से अकाउंट को उस पैसे को मिनिमम रखना है या उस पैसे को लीन कर दिया है आपका बैंक, जैसे कि उस पैसे को यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ पैसा शो करेगा, आप उस पैसे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, पहला कारण ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा कारण तो आप पहले देख ही ले कि आपके अकाउंट में पैसा है कि नहीं, और पैसा है तो आपको करना क्या होगा, आपको जो बैंक से कस्टमर केयर से कॉल करके आपको बताना होगा कि मेरे पास अकाउंट में पैसा है लेकिन पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो आपका अकाउंट का स्टेटस चेक कर लेगा कि आपके अकाउंट में क्या समस्या है। आपके अकाउंट में जो भी पैसा होगा उस पैसे को बैंक की तरफ से होल्ड कर दिया गया होगा या आपके अकाउंट में माइनस लगा दिया होगा और माइनस आपका शो नहीं कर रहा होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में 500 रुपये हैं और आपके अकाउंट में 500 या 600 कोई भी माइनस लगाया जाता है लेकिन उस पैसे को माइनस में नहीं किया जाता है, सिर्फ पैसा शो कर रहा है लेकिन इस पैसे को यूज नहीं कर सकते, कुछ कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आप अपना जो कस्टमर केयर से जो भी आपका बैंक है, जैसे कि मान लीजिए कोई आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा है तो आपको गूगल में लिखना होगा बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर केयर। जैसे आप यहाँ लिखते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर केयर, जैसे आप कोई बैंक है लिखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर केयर तो यहाँ नंबर दिख जाएगा। अगर नंबर नहीं दिखेगा तो आपको सर्च करना है, सर्च करने के बाद यहाँ भी आपको नंबर दिख जाता है, यहाँ देख सकते हैं काफ़ी यहाँ आपको नंबर दिख जाएगा, अब बहुत सारा आपको वेबसाइट में नंबर मिल जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसानी से 12 में यहीं मिल जाता है नंबर। तो सिंपली सबसे पहले आपको अपना जो कस्टमर केयर से कॉन्टेक्ट करना होगा, उसके बाद वहाँ से आपका अकाउंट का स्टेटस दिखा देगा कि आपके अकाउंट का जो कौन सा प्रॉब्लम है, माइनस अकाउंट है कि मिनिमम बैलेंस प्रॉब्लम है इसलिए आपका पैसा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके को जरूर अपनाएं और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ और जानकारी चाहिए तो जरूर कमेंट करें, उसका तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा।